इस राज्यों से हम राज्यों के उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करते, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में बदलाव के साथ आज मंत्रिमंडल में भी बदलाव होने शुरू हो गए हैं। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इधर मोहन मरकाम को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। वे कल यानी शुक्रवार को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। सर, क्या संभावना है सर? सर, या विभागों में फेरबदल, जब नया मंत्री बने हैं तो हो गए। रमन सिंह का कहना है कि 100 दिन का मंत्री बनाकर झंझना पकड़ा दिया गया है। रमन सिंह जी, अब अपनी देखें, अपनी पार्टी के बारे में देखें, वहाँ उनकी स्थिति क्या है वो देखें। उनके सीनियर जो उनके साथ मिनिस्टर हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय शर्मा जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनकी स्थिति क्या है पहले देख ले। उनके उनका हित तो साथ ले, उनको मान सम्मान दे ले। सारे जितने भी कमेटियां बनी सबसे आउट, पहले अपने घर पहले देख ले। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सहयोगी स्वरूप भट्टाचार्य जुड़े हुए। जी स्वरूप, छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खेमे में कुछ दिनों पहले नए उप मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया, वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष का भी को भी बदला गया, वहीं आज एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जैसे कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजनीति अच्छी नहीं चल रही, ये कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन ये बात तो जरूर है कि लगातार जो कांग्रेस की जो स्थिति दिख रही है, एक के बाद एक इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस्तीफा मांगने के बाद नए लोगों को नए उसमें काबिज भी किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री जो जीएस बाबा जो सीएम के दौर में शामिल थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी नाराजगी को दूर किया गया। थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दूर भी होगी, लेकिन उसके बाद बीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को ऐन वक्त पे जब सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था कांग्रेस में, उसी वक्त मोहन मरकाम को हटा दिया गया और उनको हटाकर बस्तर के सांसद दीपक बैज को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद आज सुबह फिर एक कयास जारी हुआ, लगातार आ रहा था राजनीति में, एक भूचाल सा आ गया था कांग्रेस में कि 4 मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन शाम होते होते तक अब तक जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे टेकाम जो थे, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम, उनका रिजाइन बकायदा त्याग पत्र को मंजूर कर लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके स्थान पर पीसीसी अध्यक्ष जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं उनको स्थान दिया गया है, लेकिन अभी तक कौन सा विभाग उन्हें सौंपा जाएगा ये अभी तक मुख्यमंत्री ने जाहिर नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि राजभवन इसके लिए सूचना भेज दी गई है, अब राजभवन में जब शपथ ले लिया जाएगा, जहां तक कल 11:30 बजे ये शपथ लेने की बात कही जा रही है पर आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, अब उसके शपथ लेने के बाद फिर उन्हें पद दिया जाएगा। वहीं ये भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि और भी 3 मंत्री को से इस्तीफा मांगा जाएगा, जिनमें अनिला भेड़िया जो अभी महिला बाल विकास मंत्री है उनको उनका भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, रुद्र गुरु जो अभी पीएचई मंत्री है उनका भी जहां तक इस्तीफा होना लगभग लगभग तय माना जा रहा है, और उसी क्षेत्र में कृषि मंत्री जो रविंद्र चौबे हैं उनके स्वास्थ्यगत कारणों से वो शायद इस्तीफा देंगे। तो अब जो 3 मंत्रियों की और जो बारी है वो 3 मंत्रियों की अब वो कल जाहिर हो पाएगा। जहां तक प्रेम साय सिंह टेकाम का जो मामला है, ये शुरू से ही वो विवादों में रहे हैं, कई उनकी पत्नी को लेकर, उनकी पत्नी जब मेकाहारा जो हॉस्पिटल है उसमें वो डॉक्टर है, ग्राम बकादस इसमें किया गया तब वो सुर्खियों में आए थे, तब से ही वो मंत्रिमंडल के लिए कांटा की तरह लोगों को लगने लगे थे, और कयास भी इसके पहले कई बार हुआ कि प्रेमसाय सिंह टेकाम को शायद निकाल दिया जाएगा। जैसे कि प्रेमसाय सिंह टेकाम ने खुद भी ये कहा है कि उन्हें एआईसीसी से जानकारी मिली थी, त्याग पत्र देने की गई थी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब आगे की जब यदि बात किया जाए, अनिला भेड़िया जो महिला एकमात्र महिला मंत्री है उनके बयान ऐसे सामने आए थे जिसे लेकर एआईसीसी ने संज्ञान लिया था। वही रुद्र गुरु की यदि बात किया जाए, वो सत्तामी समाज
के हैं, अहिरवाड़ा से विधायक हैं, और जबकि अहिरवाड़ा जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ में भी विधायक के द्वारा कोई भी काम नहीं किए जाने के कारण वहाँ की जो जनता है काफी ज्यादा त्रस्त है और कहा से नाराज भी है। तो यही कारण है कि गुरु रुद्र कुमार से भी इस्तीफा शायद मांग किया जाए, लेकिन ये अब तीन मंत्रियों के जो है वो आगे की बात जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन अब तक स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने डिजाइन दे दिया है और उनकी जगह मोहन मरकाम को स्थान दिया गया है। आकाश स्वरूप, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आगामी कुछ महीनों में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे कुछ महीने पहले ही इतने बड़े फेरबदल की खबर सामने आ रही, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? जी स्वरूप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में ही होता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके हाथ में ही होता है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, किसे नहीं किया जाए, या किसे निकालकर दूसरे को रखा जाए। लेकिन जब ये बात उठती है कि सामने चुनाव है, महज 3 महीना है, वही मुख्यमंत्री के से जब मीडिया ने जब इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी चुनौती सामने नहीं आएगी, क्योंकि बाकायदा उन्हें ये हर राज्य में होता है, सिर्फ ये पहली बार छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण भी दिया है कि इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है, जो भाजपा शासित राज्य था, उसके बाद उत्तराखंड में भी हुआ है, इस तरह गुजरात में भी हुआ है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे में चुनाव के समय इसका कोई असर सत्ता पर नहीं पड़ेगा। हाँ, संगठन को मजबूत करने के लिए जो पीसीसी को चेंज किया गया है, और दूसरा सत्ता की बात है, सत्ता को लेकर, संगठन की बात को लेकर जो सामने जो लाया जाएगा, और मंत्रिमंडल जो नया मंत्रिमंडल जो बनेगा उसमें काफी फायदा होने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। आकाश जी स्वरूप, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।